सो हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यूट्यूब चैनल तो फाइनली मोनेटाइज हो गया है, ठीक है। एंड दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अर्न वाले सेशन में जैसे यहाँ पे जाता हूँ अर्न वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे ब्रांड कनेक्ट। तो ये दोस्तों क्या है और यूट्यूब इसे क्या समझाना चाहता है और इससे हम लोग को क्या बेनिफिट होगा और क्या हम लोग का लॉस होगा, वो भी मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह से हमेशा कंटेंट लाते रहता हूँ। अगर दोस्तों अगर आपको यूट्यूब पे किसी भी कंटेंट पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको सोल्यूशन दे सके वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पे एक दिया गया है ब्रांड कनेक्ट है। तो ब्रांड कनेक्ट क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये बता दे रहा हूँ कि ब्रांड कनेक्ट को हम लोग को इनेबल करना होगा, जैसे कि यहाँ पे वॉच पेज ऐड एंड शॉर्ट फिट ऐड मेंबरशिप सुपर और यहाँ पे शॉपिंग, जैसे हमने इनेबल किए हैं उसी तरह से इसको भी हम लोग को इनेबल करना है। और ब्रांड कनेक्ट से हम लोग को क्या फ़ायदा होता है, अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों ब्रांड कनेक्ट ये हमसे होता है कि हम लोग अपनी कमाई को दुगनी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आप लोग को बता सकता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर वीडियो में किसी भी ऐप का या और किसी चीज़ का ऐड आता है उस बारे में ये जो ब्रांड कनेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप मान लिया जाए किसी ऐप को रिव्यू करवाना है, चाहे आपके वीडियोज पे 10 व्यूज आए या 50 व्यूज आए या 100 व्यूज या आपको हज़ार या मिलियन करोड़ जितना भी व्यूज आए, उसके हिसाब से आप लोग का यहाँ पे आपको ब्रांड, जैसे कि आप प्रमोट करेंगे किसी भी ऐड को या किसी भी ऐप को, तो आपके यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलने वाला है, ठीक है। तो ये ब्रांड कनेक्ट और स्पॉन्सरशिप के ही ये दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये स्पॉन्सरशिप कैसे मिलता है, और आपको अबाउट में जीमेल होगा, उस जीमेल से आपको किसी भी कंपनी कनेक्ट करेगा और उस पर आप डील कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका प्राइस लिखा होगा कि कितना आप, मतलब कितना आपके चार्ज है, ठीक है। तो आप उस चार्ज को कम बेसी भी कर सकते हैं। और चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ब्रांड कनेक्ट है क्या, और इस पर आपको लाइव सामने आप लोग को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांड कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप लर्न मोर पे क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल में पूरा हिंदी उसको करके आप लोग को पढ़ना होगा, बेटर होगा। मैं इसको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग को यहाँ पे टर्न ऑन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप टर्न ऑन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आपको योर नेम डाल देना है, जो भी आपका नेम है तो यहाँ पे आपको योर नेम डाल देना है। फिर से यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे जीमेल डाल देना है, सेकेंड में आपको जीमेल डाल देना है, एंड थर्ड में आपको जो भी आपको एक्सप्लेन कंपनी नेम है उसको आपको कंपनी नेम डाल देना है, अगर नहीं है तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। बेटर होगा आपको छोड़ देना ही है यहाँ पे है। एंड फिर इस पर आपको क्लिक करके एंड नीचे में आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे एक्सेप्ट पर, सिंपली आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे भर के और आगे के एक्सपोर्ट आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे आपको उस जीमेल को डालना है, आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल के जीमेल को नहीं डालना है, नहीं तो आपके यूट्यूब चैनल भी हैंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको उस जीमेल को डाल सकता है जिसने आपको कंपनी उस जीमेल से बात कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ जीमेल और नाम डाल दिया हूँ, एंड यहाँ पे आपको कंपनी नेम डालना है, अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, मैंने भी यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। एंड इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे एक ऑप्शन आ जाएगा, एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप लोग को लाइव सामने यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनली यहाँ पे क्लियर हो गया है। फिर से यहाँ पे अर्न वाले सेशन पे जाता हूँ और कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रांड कनेक्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो आप आई होप कि आप इस वीडियो से ज़रूर समझोगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ब्रांड कनेक्ट कैसे इनेबल करना है वो मैं इस वीडियो में पूरे तरीका बता दिया, और इसको सीख करके आप लोग नॉलेज ज़रूर मिला होगा। तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके भी दोस्त अड़ोसी पड़ोसी अगर हैं यूट्यूबर तो आपको उनको सेंड कर देना है ये वीडियो, ताकि वो भी ब्रांड कनेक्ट इनेबल कर सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएँ जय भारत।